का छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। ये देख लीजिए, अब भाई से इस लड़की का मनमानी शुरू हो गया है, जबकि अच्छे से जानती थी कि शाम को पूजा है, हाँ? अब फिर भी गायब हो गई, और तो और अपने घर वालों को भी नहीं बता के गई कि कहाँ गई है। मम्मी हम कह रहे थे ना, अरे वो लड़की नहीं आएगी, आज के जमाने की लड़की है, आधुनिक विचारों वाली, जिसके लिए सिर्फ अपनी सोच मायने रखती है, अरे बड़ों से कोई लेना देना नहीं है उसका, समझी? हमारी सृष्टि ऐसी नहीं है। खुद से ज्यादा अपनों के बारे में सोचती है, चिंता ना करें, आ जाएगी सृष्टि। नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते सत्येंद्र जी। बस बस, पंडित जी, मुहूर्त खत्म होने में तो अभी समय है ना, देखिए ना परिवार के सारे सदस्य आ गए हैं। अरे हाँ, पर जब तक लड़की नहीं आएगी पूजा कैसे करेंगे? नहीं बहन जी, अब पूजा के लिए अधिक समय नहीं है, हम तो सवेरे ही कह रहे थे ये ग्रह शांति पूजा शाम को होना बहुत जरूरी है, और नहीं तो इसके बाद में इस पूजा का कोई महत्व नहीं होगा। सबर कीजिए पंडित जी, आ जाएगी सृष्टि, लेकिन कब आई? अम्मा जी ध्यान से, आराम से, आराम से, ये देखिए, देखिए शायद आपका घर आ गया। नहीं बिटिया, ये हमरा मोहल्ला नहीं है, हमरा मोहल्ला तो स्टेशन के पास है। अम्मा स्टेशन बगल में ही है, चार मोहल्ले की चक्कर कटवा चुकी हो, अब ठीक से घर पहचानो और मुझे जाने दो। भैया ये क्या तरीका हुआ बड़ों से बात करने का? आप देख नहीं रहे अम्मा जी की तबीयत कितनी खराब है, हम पैसे दे रहे हैं ना आपको, आप खामखा परेशान मत होइए। दीदी आपकी तकलीफ समझ रहे हैं, पर अम्मा को देखो ना, तभी से इधर से उधर उधर से उधर घुमा रही है। हाँ तो जानबूझकर नहीं कर रही है, उनकी तबीयत इतनी खराब है। दादी आप याद करने की कोशिश कीजिए, आपका घर कहाँ है, उसके आसपास कोई बड़ी फेमस जगह जो सब जानते हो। हाँ बेटिया याद आया, हमारे मोहल्ले के पास एक बड़ा सा कचरे का पेटी है। अम्मा हर मोहल्ले के बाहर कचरा पेटी होती है। भैया एक मिनट, हम पूछ रहे हैं ना, नहीं और कोई जगह और कुछ दुकान? हमारे घर के पास ना एक सुनार की दुकान है और एक चाट वाला भी है, शायद हम जानते हैं कि आपका घर कहाँ है। आप बैठिए एक मिनट। भैया ठीक है चलिए। दादी जी बैठिए। उतरो दादी आगे। देखिए यही है ना आपका मोहल्ला, बहुत देर हो गई है, हमें लगा था जल्दी पहुंच जाएंगे, पर अब बता देते हैं घर पर। एक मिनट,